वहीं फिरोजाबाद के गांव गाजीपुर में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। बता दें कि इस गांव में पानी, खेल का मैदान, गरीबों को के लिए धर्मशाला, टूटी फूटी सड़कें, गंदे तालाब की सफाई, गांव में कॉलेज का न होने जैसे तमाम दिक्कतें हैं। वहीं पंचायत चुनाव का बिगुल भी अब बज चुका है, जिसे लेकर सभी प्रत्याशी तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन ग्रामवासियों को प्रत्याशियों से केवल विकास की आस है। बता दें कि 5 साल से गांव का विकास नहीं हुआ और लोग आज भी परेशान हैं। कार्यक्रम में आज डीएनएन की टीम का अगला पड़ाव गांव गाजीपुर पर आ पहुंचा है और गांव गाजीपुर में पिछले 5 साल में क्या हुए हैं काम और अगले 5 साल के लिए कैसा चाहती है जनता प्रधान, तो सीधे तौर पर यहां गांव की पंचायत इस समय लगी हुई है, तमाम गणमान्य यहां विराजमान है, तो गांव की जनता से जानेंगे कि आखिरकार कैसा हो प्रधान जिससे कि अगले 5 साल में गाँव खुशहाल बन जाए। एक रोड की आवश्यकता थी जो हमारे गांव में घुसते ही, यानी जैसे ही हमारे गांव का प्रारंभ होता है उससे लेके और माता जी हैं, वो भोले बाबा बोलते हैं, वहां तक के जाने के लिए एक रोड थी जिसको सबसे पहले बन जाना चाहिए था। मैंने पुराने टाइम में, मैं अपने गांव से जब बाहर रहता था तो एक गांव है, सरकार ने वहाँ जाने के लिए लगभग 7 रास्ताएँ बना दी, मतलब उस एक रास्ता थी 10 किलोमीटर की, एक रास्ता थी 7 किलोमीटर की, एक रास्ता थी 5 किलोमीटर की, एक रास्ता 13 किलोमीटर की, वहाँ पे बना दी गई कंक्रीट की बनी हुई, लेकिन उस गांव के लिए जो 1.5 किलोमीटर की रास्ता थी। वैसे विकास तो हुआ है लेकिन आजकल गांव में देख रहे हो कि सड़कें पक्की हो गई हैं और खरंजे वैसे ही पक्के हो गए हैं।